अरे बच्चों, आज हम ज्ञानवी लेखा शास्त्र में अशुद्धि सुधार की अवस्थाएं पढ़ेंगे। कैसे अशुद्धि का सुधार किया जा सकता है? तीन अवस्थाएं हैं। सबसे पहली है तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धि सुधार। सबसे पहली अवस्था है तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धि सुधार। दूसरी जो अवस्था है वह है तलपट बनाने के पश्चात, परंतु अंतिम घाते बनाने से पहले। तलपट बनाने के पश्चात परंतु अंतिम खाते बनाने से पहले, अंतिम खाते बनाने से पूर्व अशुद्धि सुधार। तीसरा जो है, लास्ट थर्ड है आपका, अंतिम खाते बनाने के पश्चात अशुद्धि सुधार। अंतिम खाते बनाने के पश्चात, बनाने के पश्चात अशुद्धि सुधार। देखो, तीन अवस्थाएं हैं। सबसे पहली जो अवस्था है वो है तलपट बनाने से पहले अशुद्धि सुधार। दूसरी जो अवस्था है, तलपट बना दिया है परंतु अंतिम खाते फाइनल अकाउंट नहीं बनाए हैं, उससे पहले आपको अशुद्धि का पता लगता है, तो उसका सुधार कैसे करेंगे। और लास्ट है कि आपने फाइनल अकाउंट बना दिए हैं, उसके बाद आपको पता लगता है कि ये प्रॉब्लम्स रहती है, ये अशुद्धियां हैं, तो उन अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं। इन तीन तरीकों में से सबसे पहला वाला जो तरीका है अशुद्धि सुधार का, उसमें खाते बनाए जाते हैं, अकाउंट बना करके आप अशुद्धियों का सुधार करते हैं। दूसरी वाली अवस्था है उसमें एंट्रीज बनाते हैं, प्रविष्टि के माध्यम से अशुद्धियों का सुधार करते हैं। थर्ड वाले में भी एंट्रीज बना करके आप अशुद्धियों का सुधार करोगे, बस इसमें अकाउंट बनेंगे। इसमें कुछ वर्ड है जो काम में आते हैं, जैसे योग कम लगना, योग कम लगना, इसे अंडरकास्ट कहते हैं। योग कम लगना को इंग्लिश में अंडर कास्ट। इसमें क्या होता है कि किसी खाते का योग आपने कम लगा दिया है, तो वो कौन सी अशुद्धि है? तलपट बनाने से पहले वाली अशुद्धि। आपने अगर तलपट नहीं बनाया है और आपको पता लग जाता है कि योग कम लगा है, योग ज्यादा लगना, कभी कभी क्या हो जाता है कि जितना योग होता है उससे आप थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं, तो योग ज्यादा लगना इसे ओवरकास्ट कहते हैं। ओवरकास्ट, कभी कभी हमारे से खतौनी करते समय कम राशि से खतौनी हो जाना, तो उसे अंडर पोस्टिंग कहते हैं। उसको कहते हैं खतौनी कम राशि से होना, खतौनी कम राशि से होना, कम राशि से होना, इसे कहते हैं अंडर पोस्टिंग। क्या कहते हैं इसको? अंडर पोस्टिंग। कभी कभी आप क्या करते हैं, जैसे 10,000 रुपए पोस्ट करने होते हैं, आपने 15,000 रुपए से पोस्टिंग कर देते हो, तो उसे ओवर पोस्टिंग कहते हैं। खतौनी ज्यादा राशि से हो जाना, खतौनी ज्यादा राशि
से होना ओवर पोस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवर पोस्टिंग। लास्ट है कुछ ट्रांजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, जैसे कोई ट्रांजेक्शन है हम उन्हें लिखना भूल गए, उसे ओमिटेड कहते हैं। ओमिटेड, ओमिशन भी कह सकते हैं, ओमिटेड भी कह सकते हैं। ये सारे काम हमारे हो जाते हैं। इसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बना करके उन अशुद्धियों को दूर करेंगे टीआरआर के खाते के माध्यम से। दूसरा है, इसमें आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया तलपट और उसका योग नहीं मिला, तो हमें खाता बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट, उच्चंती खाता। तो हमारे पास उच्चंती खाता है, उस उच्चंती खाते को अगर हम खत्म करेंगे तो इसमें एंट्री बनेगी और उसमें सस्पेंस अकाउंट बनेगा। सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से इसमें अशुद्धियों का सुधार होगा। तीसरा है, आपने अकाउंट बना दिए हैं, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है, और उसके बाद आपको पता चलता है बैलेंस शीट भी बना दी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको पता चलता है कि आपसे कुछ अशुद्धियां रह गई है, जैसे योग कम लगा हो या कोई भी अशुद्धि रह गई हो, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाते के माध्यम से हम अशुद्धियों का सुधार करेंगे। वो तीन अवस्थाएं थी, पहले वाली जो अवस्था है उसमें हम अकाउंट के माध्यम से अकाउंट बना बना करके अशुद्धियों को दूर कर रहे थे, दूसरे वाले में हम जनरल बनाएंगे और जनरल एंट्रीज के माध्यम से अशुद्धियों को दूर करेंगे, सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, एक अकाउंट सस्पेंस होगा दूसरा रजिस्ट्री वाला होगा। तीसरी वाली में हम लाभ हानि समायोजन खाता बनाएंगे, क्योंकि खाते बंद हो चुके हैं और उसके बाद हमें अशुद्धियों का पता लगा। थैंक यू।